हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। लास्ट वीडियो में हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ा था, उसमें किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं और कितने टाइप के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एपिथेलियम टिश्यू जो है वो 6 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। तो सबसे पहले हम स्क्वैमस एपिथीलियम के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम स्क्वैमस एपिथीलियम की सेल्स की बात करें तो किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है? जो हमारा स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू होता है उसमें जो सेल्स होती है वो थिन एंड फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कैसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? थिन एंड फ्लैट सेल्स। अगर हम उनके अरेंजमेंट की बात करें तो कैसे अरेंज्ड होती हैं सेल्स? सेल्स जो हैं एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस जो है सेल्स के अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। अगर हम देखें कि सेल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है तो हम हमारे फ्लोर को देख सकते हैं। फ्लोर में जैसे टाइल्स का अरेंजमेंट होता है उसी तरह स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू में सेल्स का अरेंजमेंट होता है। अगर हम सरफेस व्यू देखें तो सेल्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड होती हैं, बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं सेल्स। सेल्स जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। हमने एपिथीलियम टिश्यू में देखा था कि सेल्स के नीचे जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो सेल्स को अंडरलाइंग टिश्यू से अलग करती है। अगर हम बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन इन सेल्स को ब्लड सप्लाई और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। अगर हम बात करें कि स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है तो स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू जो है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। एल्वोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वोलाई में प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ट्यूब्यूल्स एंड यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। जिस तरह अगर हम एल्वोलाई की बात करें तो ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो है ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, फिर जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल से जो है लास्ट में हमारे टर्मिनल एंड पे एल्वोलाई प्रेजेंट होती है। इन एल्वोलाई की लाइनिंग में क्या होता है? हमारा स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। किसमें हेल्प करता है? ये गैसियस एक्सचेंज में। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें स्क्वैमस एपिथीलियम के फंक्शंस की तो ये एक्सक्रीशन और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। एंड देन सेकेंड टाइप ऑफ एपिथीलियम टिश्यू इज क्यूबॉइडल एपिथीलियम। अगर हम क्यूबॉइडल एपिथीलियम में सेल्स की बात करें तो जो सेल्स होती है क्यूब लाइक होती है, जैसे हमने आइस क्यूब देखी होगी, तो कुछ इस तरह से सेल्स की शेप होती है क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू में। अगर हम अकरेंस की बात करें कि क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू जो है हमारे पैंक्रियाज की डक्ट्स में, पैंक्रियाटिक डक्ट्स में, स्वेट ग्लैंड्स में। जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो किसका सिक्रेशन करती हैं? स्वेट का सिक्रेशन होता है उनकी हेल्प से, तो स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है? ये सलाइवा सिक्रेट करती हैं। जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू की सेल्स ओवरीज एंड टेस्टिस में भी प्रेजेंट होती हैं। ओवरीज जो है ओवा रिलीज एग को रिलीज करती है और टेस्टिस हमारा स्पर्म बनाते हैं। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू? पैंक्रियाटिक डक्ट, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन ओवरीज एंड टेस्टिस। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू का क्या फंक्शन हो जाएगा? सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड गैमिट फॉर्मेशन। जो हमारे ओवरीज एंड टेस्टिस हैं वो किस में हेल्प करेंगे? गैमिट फॉर्मेशन में, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप इज कोलमनर एपिथीलियम। कोलमनर एपिथीलियम में जो हमारी सेल्स होती है वो पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं? टॉल एंड पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो कुछ इस तरह से हमारे कोलमनर एपिथीलियम की सेल्स होती हैं। किसके ऊपर? जैसे हमने बात की थी एपिथीलियम टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम अकरेंस की बात करें कि हमारे कोलमनर एपिथीलियम टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में जो है कुछ माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई क्या कर देते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो जो हमारे कोलमनर एपिथीलियम में वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में, इंटेस्टाइन में। अगर हम इसका फंक्शंस की बात करें तो ये किस में हेल्प करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है एंड सिक्रेशन में भी हेल्प करता है।
एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथीलियम टिश्यू का टाइप कौन सा है? सीलिएटेड एपिथीलियम। अगर हम सीलिएटेड एपिथीलियम में सेल्स के शेप एंड साइज की बात करें तो जो हमारे सीलिएटेड एपिथीलियम में सेल्स कैसी होती हैं? क्यूबॉइडल या कोलमनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो सेल्स कोलमनर सेल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सीलिएटेड एपिथीलियम। कोलमनर सेल्स पे कुछ बियर करती हैं कोलमनर सेल्स सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम सीलिया बोलते हैं, इसलिए हम इनको सीलिएटेड एपिथीलियम बोलते हैं। ये सीलिया जो है कुछ फाइन थ्रेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के बेस से अराइज होते हैं। और ये सीलिया किस में हेल्प करते हैं? ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करेंगे सीलिया? सीलिया जो है मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर हम ये देखें कि जो हमारा सीलिएटेड एपिथीलियम है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स भी होती हैं। जो ओवरी होती है वो एग रिलीज करती है, ओवरी से एग बनता है। जो एग फैलोपियन ट्यूब से कहाँ आता है? यूट्रस में। तो फैलोपियन ट्यूब्स में जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो इस एग की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसकी फैलोपियन ट्यूब्स में जो सीलिया होते हैं वो एग को मूव करवाते हैं कहाँ? यूट्रस तक। तो फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड एपिथीलियम, ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड किडनी ट्यूब्यूल्स में भी पाए जाते हैं। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो इसका क्या फंक्शन होता है? जैसे हमने अभी बात की सीलिया की कि वो किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो क्या फंक्शन हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ म्यूकस। म्यूकस जो है एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है जो किसमें? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है तो उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं और एग मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है ग्लैंडुलर एपिथीलियम। ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यू में क्या होता है? जो हमारी कोलमनर सेल्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है और एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथीलियम। इसमें क्या होता है? इसमें जो है हमारी कोलमनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम में और ये सेल्स जो है फोल्ड हो जाती हैं। ये फोल्ड होके क्या बनाती है? एक ग्लैंड बनाती है और ये ग्लैंड किस में हेल्प करते हैं? सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। क्या हो जाएगा? ग्लैंडुलर एपिथीलियम मॉडिफाइड एपिथीलियम टिश्यू होता है। इसमें कोलमनर सेल्स जो है फोल्ड हो जाती है इनसाइड और ग्लैंड बनाती है। ये ग्लैंड किस में हेल्प करती हैं? सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर हम स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू की बात करें तो जो हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू होता है उसमें क्या होता है? जो हमारे स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू की सेल्स होती हैं, स्क्वैमस एपिथीलियम में तो जो है सिंगल लेयर में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू की बात करें तो उसमें क्या होता है? जो हमारी स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू की सेल्स होती हैं वो किसमें? मल्टी लेयर में प्रेजेंट होती हैं, वो एक से ज्यादा लेयर में प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। जो हमारी स्किन होती है उसमें क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट, दिस वॉज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथीलियम टिश्यू। लेट्स क्विकली समराइज ऑल दिस। स्क्वैमस एपिथीलियम, सबसे पहले हम स्क्वैमस एपिथीलियम पढ़ा। इसमें क्या होती है? सेल्स जो होती हैं थिन एंड फ्लैट सेल्स होती हैं, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड लाइक टाइल्स। अगर हम अकरेंस की बात करें तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स में, एल्वोलाई में एंड यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में। क्यूबॉइडल एपिथीलियम जो होता है उसमें सेल्स क्यूब लाइक होती है, क्यूब शेप्ड सेल्स होती हैं। ये पैंक्रियाटिक डक्ट, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स और ओवरीज एंड टेस्टिस में पाई जाती हैं। क्या फंक्शन होता है क्यूबॉइडल एपिथीलियम का? ये सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर हम कोलमनर एपिथीलियम टिश्यू की बात करें तो इसमें जो सेल्स पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। अगर हम कोलमनर एपिथीलियम के फंक्शंस की बात करें तो किसमें हेल्प करता है? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में हेल्प करता है। सीलिएटेड एपिथीलियम टिश्यू जो है उसमें सेल्स में कोलमनर सेल्स होती हैं और उनके जो सेल्स हैं वो सीलिया बियर करते हैं। सीलिया जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं।
सीलिएटेड एपिथीलियम टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है? फेलोपियन ट्यूब्स, ब्रोंकियोल्स एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। फंक्शन क्या होता है सीलिएटेड एपिथीलियम का? मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन एंड एग्स। अगर हम ग्लैंडुलर एपिथीलियम की बात करें तो ये मॉडिफाइड एपिथीलियम टिश्यू होता है। इसमें कॉलमनर सेल्स जो होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं इनसाइड और एक ग्लैंड की फॉर्मेशन करते हैं। ये ग्लैंड जो है सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू की बात करें तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम सेल्स जो होती हैं वो मल्टी लेयर में अरेंज्ड होती हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे स्किन में प्रेजेंट होती हैं।